और चलिए अब बात करते हैं गर्मी की। पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में कल देश में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह गर्मी से हाल बेहाल है। उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। देहरादून में कल रिकॉर्ड 43 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। देहरादून में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया और कल का तापमान बिल्कुल उसी रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गया। यूपी में भी गर्मी का प्रकोप है। भीषण गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। झांसी में तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी लेकिन परेशान भी करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा होगा जो कि गर्मी से धधक ना रहा हो। दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर, राजस्थान में 53 डिग्री वाला आपातकाल, बम बनकर फटा एसी, ट्रांसफॉर्मर मांग रहे पानी। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। बिहार में भी गर्मी ने एक साथ कई शहरों पर अटैक किया। बिहार के औरंगाबाद में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर भी कहर बरपा दिया। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफॉर्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफॉर्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसीलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया। हालांकि चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है, जहां अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंचकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नोएडा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में आग का मामला सामने आया है। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई है। आग के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सेक्टर 100 में लोटस बुलवर्ड सोसाइटी है, जहां पर भीषण आग लग गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 100 की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। आप देखिए कैसे एक फ्लोर पूरी तरह से आग से धधक रहा है और धुएं के गुबार भी नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, कैसे लगी आग और क्या अपडेट है, क्या आग पर कंट्रोल कर लिया गया? अब बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि न्यूज 18 से अभी सीएफओ जो यहाँ के हैं, चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे, उनसे बात हुई है। 5 गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई है। इसके अलावा जो वहां पर मौके पर मौजूद है रेजिडेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड और मेंटेनेंस, उनकी मदद से फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि भीषण आग लगी हुई है, पूरी तरीके से अभी बुझाया नहीं जा सका है। मौके पर 5 गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं और जो लोकल थाना है उसको भी ये सूचना दे दी गई है। और आपको बता दें कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये स्पष्ट हुआ है लोकल सोर्सेज से कि किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है, यानी कोई हताहत नहीं है अभी, और आग को बुझाने का प्रयास लोकल स्तर पर किया जा रहा है। जी हिमांशु, तस्वीरें बिल्कुल काफी ज्यादा भयावह नजर आ रही हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।